क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है, ये हिंदू समाज का पैसा है। चाइनी डे जेके में आप सबका स्वागत है। मैं कीर्तिधर इस टाइम ज्येष्ठा माता मंदिर के द्वार पे खड़ी हूँ। मेरे साथ ज्येष्ठा देवी प्रबंधन कमेटी के प्रधान श्री भारत भूषण भट्ट जी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे जो ये कमेटी यहाँ पे काम करती है। बिल्कुल वेलफेयर का काम हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार। तुम्हारा इजन ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये तन मतलब फैसिलिटीज मिला, खासकर यात्री गण वहाँ से दूर दूर पर साउथ इंडिया इवन वर्ल्ड के कोनों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ सारी कश्मीर कम्युनिटी से तो सटा आराम ये तन मिला इस रूप देती है समझा। तो इवन तो यहाँ पे क्या कित कह तो गवर्नमेंट कोता अच्छा हमारे ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी इज अ कमेटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट। इट इज नॉट अ ट्रस्ट, जस्ट सोसाइटी एंड कुछ वॉलंट्री जो लोग हैं जो अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना यहाँ एक्टिविटीज़ करने के लिए, इस सारे संस्थान को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। तो एक बड़ा टीम है इसका, 20 लोगों का टीम है। और अगर आप लोग यहाँ 89 से पहले आए हो तो आपने देखा होगा यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सिंपल माता का मंदिर था। इवन जो 2000 तक भी आए हैं, माता का मंदिर था और वहाँ से निकलते हुए एक पानी की मतलब एक ज्वाई थी जो मंदिर इस नाग से निकलती थी, तो और कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने 2000 से स्टार्ट किया हमने। आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा कि यहाँ एक मंदिर है, ये एरिया बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन में है, यहाँ अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ये सिक्योर रहेगा। देन वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। पहले यहाँ कम्प्लीटली झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, झाड़ियों को काटना स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता से जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो था जो माता के सामने पूजा मंडप है, ये मंडप हमने पहले बनाया। और जब मंडप बना तो क्योंकि उससे पहले जब यात्री कोई आता था मंदिर में जब वो पूजा करता था, अगर बारिश होती थी उसको सड़कने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसको पूजा मंडप बनाया ताकि लोग आराम से आ जाएं और वहाँ पूजा करें। तो ऐसा से जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो लोगों ने देखा कि यार कुछ काम हो रहा है यहाँ। तो जो सारे भक्त लोग थे माता ज्येष्ठा के, उनने दान पुण्य देना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी आगे चलते गए। अब 2000 में हमने जो आज आप देख रहे हो, ये तब हमने भी कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे हम चलेंगे, लेकिन माता की कृपा और लोगों का जो दान था, लोगों का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट अनफ्लिंचिंग था, सपोर्ट अनकम्प्रोमाइजिंग था कि नहीं आप कर रहे हो काम और करो। तो हम भी आगे चलते गए। तो रूम्स बनाए, रूम्स बनाए, कंसेप्शन रहा कि रूम ऐसे बनने चाहिए कि याद जो कश्मीरी पंडित है बाहर रहता है उसके बाद यहाँ आ जाता है हफ्ते के लिए, तो वो यहाँ उसको यहाँ कमरे में एक होम मिलना चाहिए, होम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सो इसलिए हमने हर रूम में किचन की फैसिलिटी स्टार्ट की कि किचन होना चाहिए, अटैच बाथरूम होना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी का लाए सब्जी और बनाए, और उसके बाद यहाँ घूमना होगा या अपने जहाँ जाके वो रहने वाले थे वहाँ जाना होगा, यहाँ से वो बेस बनाकर चलते रहे। तो इस मैं एक और इस प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट के नाते बात जरूरी कहना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है, ये हिंदू समाज का पैसा है। हिंदू समाज ने, चाहे कश्मीरी पंडित था चाहे पंजाबी था, उन्होंने दान देकर हमने ये सारा काम किया। गवर्नमेंट का कोई पैसा इसमें नहीं था और कोई पैसा नहीं है, और हाँ लोगों ने पैसा दिया और लोगों ने हमें आगे चलाया, लोगों ने हमें पीछे देखने नहीं दिया। जब हमने काम स्टार्ट किया लोगों ने हमें पीछे देखने नहीं दिया। हाँ, और इसीलिए अब इस वक्त जो है हमारी साइट है www.jeshtadevi.in, उसमें सारे यात्री उसमें जाते हैं, उसमें देखते हैं ये अकोमोडेशन क्या पूछना है, अकॉर्डिंगली वो ऑनलाइन बुकिंग चलती है हमारी उसमें। हाँ, ऑन जो करंट महीना है उसमें अगर यहाँ एक आध दिन खाली हो जाता है वो हम यहाँ भर लेते हैं, कोई यात्री एक दिन पहले चला जाता है तो दिन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ नॉट एन ये हम बैठेंगे, क्योंकि यात्री निवास का भी मेंटेनेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है,
इसका भी आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वी कैन नॉट क्लोज अवर आइज एंड सिट एंड हमने ये अचीव कर लिया कि आदमी आवाज बन गया सब कुछ। ये अब आपने देखा होगा इस बार अगर पहले भी आएंगे, हमने ब्लैंकेट सब रजाइयाँ ख़त्म कर दी, ब्लैंकेट सारे रूम में शिफ्ट कर दी, चेंज कर दी, क्योंकि अब वो जो पुरानी रजाई थी लोग पसंद नहीं करते थे उसको। सो इसका भी डेवलपमेंट, इसका भी अपकीप, इसका भी अब लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आफ्टर माइग्रेशन कश्मीरी पंडित यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी इतना ग्रेट इनिशिएटिव लेना, हिम्मत करना, तो मैं तो कहूँगी कि दाद देने लायक है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? माइग्रेशन के बाद हम भी माइग्रेट कर गए, उसके बाद मैं एजीज ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ, वेलफेयर ऑफिसर क्लास वन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। और लेकिन हमारे होटल में जो एजीज ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, वी हैव ऑलमोस्ट 100+ 100-150 लोग थे, और वो 100 लोग इसके साथ बीएसएनएल के एम्प्लॉयज थे, सेक्रेटरी के कुछ एम्प्लॉयज थे। हमने ठान ली कि यहाँ आप लोग, आपसे ही शुरुआत हुई इस चीज़, ये शुरुआत हुई पहले तो स्टार्ट एक्सकर्शन से हुई, यहाँ चलो शनिवार को आएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खा के चले जाएंगे। लेकिन आहिस्ता से हमने कहा कि आप आए हैं यार, कुछ कुछ तो करें, तो आहिस्ता से ये दो तीन डिपार्टमेंट्स लगे रहे। लेकिन फिर एक्चुअली ये एजीज ऑफिस का ही एक्सक्लूसिवली इनिशिएटिव रहा कि हम आगे चलते रहे, और क्योंकि वो भी पोस्टेड यहीं थे, सो हर एक का ये था कि जब ऑफिस से आ जाए तो होटल सेंटूर में हमारी अकोमोडेशन थी, होटल सेंटूर इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस, सो इट वॉज नॉट फार अवे, दोनों गाड़ियाँ भी नहीं थी। लेकिन ये था कि हम वहाँ होटल ऑफिस से वापस आ जाते थे यहाँ शाम को 5 बजे, और 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ रहते थे, 8 बजे हम होटल से टूर चले जाते ऑन फुट। अब गाड़ियाँ भी नहीं थे, स्कूटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये हमने एक क्या बोलते हैं इसको, एक दिल में एक चाहत थी, दिल में एक ये था कि इसको बनाना है, इसको डेवलप करना है, और ये डेवलप करना है उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो चाहते हैं, इट शुड बी होम आउट ऑफ होम। अब बाहर रह रहे हैं तो आउट ऑफ होम, आउट ऑफ होम, इसलिए होम वाली फैसिलिटी सारी है। मन नहीं करता है यहाँ से जाने का, जब हम रूम में एंटर होते हैं वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको वहाँ पे किचन, बर्तन, वॉशरूम, जो भी फैसिलिटीज हमें घर में रहती है, कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं। तो मैं ये अपने जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, हमारे LG सर है, उनका ध्यान ज़रूर इस तरफ लाना चाहूँगी कि एक बार आएँ यहाँ देखें, तो आप भी अपनी तरफ से मुझे लगता है कि ज़रूरी है आपका भी, क्योंकि जो यात्रीगण है पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो कुछ अगर कमियाँ हैं, वैसे तो जो यहाँ पे स्टेशन काम कर रहे हैं इन्होंने तो वैसे कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन आप आके देखें, अगर आपका भी यहाँ पे आप ही अपना हाथ बटाएं, इन लोगों के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाएं, तो इससे बेहतर यहाँ पे पूरे हमारे जो हिंदुस्तान से यात्री आ रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। कीर्तिधर, शाइनी जी।